गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सब भी पहली कक्षा में हो और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो आज बच्चों हम कुछ नया सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने हमारे बुक में कुछ ट्रेस और राइट देखा था जो पेज नंबर 4 से लेकर कहाँ तक गया, देखो देखो अपने बुक पे, हाँ 4 नंबर से लेकर 11 नंबर तक, यानी 11 नंबर तक के पेज पर हमने ट्रेस एंड राइट किया। आज हमें ट्रेस और राइट नहीं करने का, तो हमें कुछ नया सीखने वाला है। हमारा ट्रेसिंग तो कंप्लीट हो गया है, तो बच्चों इससे पहले ट्रेसिंग के बाद हमने एक वर्ड लिखा था, तो वह वर्ड था बड़ी ई। वेरी गुड, क्या लिखा था हमने, बड़ी ई। अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो बच्चों मुझे बताओ ये पिक्चर कौन सा है, ये पिक्चर किसका है, मालूम है आपको? आपको बर्ड्स पसंद है? नहीं, क्यों? बर्ड्स तो बहुत प्यारे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और उनका जो आवाज होता है वो कितना अच्छा होता है। हाँ, तो यही एक बर्ड है जिसको हम उल्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्लू। तो उल्लू यह शब्द जो है ये ऊ से शुरू होता है, यहाँ पे देखो ये है उल्लू। हाँ, तो ये उल्लू जो है, ये उल्लू शब्द ऊ वर्ण से शुरू होता है, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। आज हम ऊ वर्ण की पहचान करेंगे, हम ऊ वर्ण की पहचान करेंगे, ठीक है बच्चों? तो आपके पास जो बुक है ना, उसमें से पेज नंबर 2020 निकालो अच्छे से। वेरी गुड, और 2121, तो यहाँ पे पेज नंबर हमारा होगा 2020, यस, और यहाँ पे होगा पेज नंबर 21। हाँ, मुझे मालूम है मेरे सब बच्चे कैसे हैं, बहुत होशियार है। तो आपकी जो बुक है, हमारे बुक का नाम क्या है, हिंदी अक्षरमाला भाग अ, में से पेज नंबर 20 और 21 का आज हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो ये 20 पेज पर कुछ इधर लिखा हुआ है। हाँ बच्चों, यही ऊ वर्ण है और ये आपको अच्छे से ट्रेस करना है। ऊ के बीच कुछ पंक्तियां लिखी है ऊ के बाद, और उसके बाद एक पिक्चर है जो कि है उल्लू का। किसका पिक्चर है? उल्लू का। तो उल्लू का मतलब क्या होता है? आउल, और उसको मराठी में हम कहते हैं घुबड़। हाँ, तो ये उल्लू है। तो पहले हम ये पंक्तियां अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों पढ़ो मेरे साथ। ऊ से उल्लू रात को आता, वह जब आता मैं सो जाता। ऊ से उल्लू रात को आता, वह जब आता मैं सो जाता। तो ये उल्लू जो होता है ना, वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है। हाँ, और वो जब रात को आता है बाहर, तो हम क्या करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। हाँ, जब हमें बहुत नींद की जरूरत होती है रात को, लेकिन ये उल्लू रात को ही सिर्फ बाहर निकलता है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे मालूम है आपको, ये पेज नंबर 20 जो है उस पे कुछ ऊ लिखा हुआ है, तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? पेंसिल का, और पेंसिल से इसको अच्छे से ट्रेस करेंगे, और जो खाली स्थान है, जो रिक्त पंक्तियां है, उसमें आप ऊ अच्छे से लिखोगे। यहाँ पे पंक्तियां बहुत सारी है, रेड लाइन की 2 है और ब्लू लाइन की 3 है, पर हम बीच के ही लाइन में जो ब्लू कलर की लाइन है उसी में ऊ वर्ण लिखेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो किस तरह से मैं लिखती हूँ, ऊ से उल्लू। हाँ बच्चों, और एक बात है कि ऊ से सिर्फ उल्लू यही शब्द आता है क्या? नहीं नहीं, तो ऊ वर्ण से कई सारे शब्द तैयार होते हैं, जैसे कि ऊ से उपहार। उपहार का मतलब क्या है? गिफ्ट। कभी किसी की, हमारे फ्रेंड्स का यदि बर्थडे हो, तो हम कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना उसके लिए,
होता है उस्तरा। उस्तरा का इस्तेमाल नाई लोग करते हैं शेविंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद शब्द आता है उंगली। उंगली यानी कि फिंगर, उंगली यानी कि फिंगर, उसको मराठी में हम गोट कहते हैं। तो बच्चों उवर्ण से सिर्फ उल्लू यही शब्द नहीं आता, तो उवर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। तो आपको क्या करना है, जब आप आपके नोटबुक पे उ लिखोगे या इस बुक पे उ लिखोगे तब हर बार आपको नया शब्द अच्छे से बोलना है, जोर से बोलना है, ठीक है। तो अभी हम लिखने को स्टार्ट करेंगे। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू, ऊ से उस्तरा, ऊ से उंगली। इस तरह से हम बोल बोल कर ये ऊ लिखेंगे, ठीक है। और ये नीचे भी लिखे हुए हैं, देखो बच्चों, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपहार, ऊ से उंगली, ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू। इस तरह से आपको ये अच्छे से ट्रेस करना है। यह हमारा है पेज नंबर 20, जो कि आप अच्छे से कंप्लीट करोगे, करोगे ना। हाँ, वेरी गुड। तो उसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 21, यानी कि पेज नंबर 21। पेज नंबर 21, तो इसमें भी हमें गृह कार्य दिया है। तो गृह कार्य का मतलब क्या है, होमवर्क। वेरी गुड। तो यही ऊ जो है वर्ण, वही हमें यहाँ पे भी अच्छे से ट्रेस करके, ट्रेस करने के बाद खाली स्थान में अच्छे से लिखना है। तो कितनी बार लिखना है, देखो, 1, 2, 3, ये तीन जो लाइंस है वो हमें अच्छे से कंप्लीट करनी है। तो चलो बच्चों लिखो, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपहार, ऊ से उंगली, ऊ से उस्तरा। वेरी गुड, हो गया। तो इस तरह से आपको ये गृह कार्य कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारी बारी आती है एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी तो हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक्टिविटी में हम कई सारे रंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज की एक्टिविटी क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पे एक चित्र दिया है, पिक्चर है, जो कि इसका है उल्लू का। वेरी गुड। और ये उल्लू का जो पिक्चर है वो हमें कलर करना है ब्राउन कलर से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह इसको कलर किया है, वही रंग आपको यहीं पे देना है। पर बच्चों काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने का। वेरी गुड। और यहाँ पे आपको लव बलून दिया हुआ है, तो ये क्या है, तो पहला हम इसको ऊ लिखेंगे, तो हमारा शब्द बन जाएगा उल्लू। हाँ, अच्छे से। तो पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल से इसको ट्रेस करेंगे, ये उल्लू जो पिक्चर है उसको अच्छे से क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। और ट्रेस करते समय बहुत सावधानी से ट्रेस करेंगे, हवा नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे, और ब्राउन कलर से इसको हम कलर करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हाँ, ऊ लिखना है। क्या लिखना है, ऊ, ऐसे। और इसको ऐसे स्लीपिंग लाइन भी देंगे, जिसको हम शिरोरेखा कहते हैं। तो हमारा शब्द बन गया ऊ से उल्लू। क्या शब्द बन गया हमारा, ऊ से उल्लू। तो आज बच्चों हमने क्या किया, ऊ वर्ण की पहचान की है। सिर्फ ऊ वर्ण की पहचान करने से ही काफी है आज की पढ़ाई खत्म होती है, नहीं नहीं तो हमारी पढ़ाई भी जारी रहेगी। ये ऊ से उल्लू सीखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, बराबर अब हमारी बारी है वर्कशीट की। मेरे बच्चों को वर्कशीट छुड़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो
होशियार हो। हाँ तो ये वर्कशीट जो है इसमें क्या क्या लिखा है? देखो पहले हमारे स्कूल का नाम है, हमारे स्कूल का नाम क्या है? रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेड़। वेरी गुड। उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। आप सभी कौन से क्लास में हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और ये हमारी वर्कशीट है, ठीक है। उसके बाद लिखा है नेम, नेम यानी कि नाम, अपना खुद का नाम, अपने पिताजी का नाम और आपका सरनेम आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद बारी आती है रोल नंबर की, यदि आपको आपका रोल नंबर मालूम है तो आप लिख सकते हो, यदि नहीं मालूम तो वो खाली जगह ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद पहला प्रश्न हमारा क्या है, वहाँ पे छोटा सा स्टार है ना? हाँ तो बच्चों पढ़ो मेरे साथ, चित्र देखकर वर्ण लिखिए। क्या लिखा हुआ है? चित्र देखकर वर्ण लिखिए। तो यहाँ पे ढेर सारे चित्र हैं, कितने चित्र हैं करो मेरी गिनती, चलो मेरे साथ गिनती करो, एक दो तीन, कितने पिक्चर है यहाँ पे? तीन। तो पहला पिक्चर है उपवन का, उपवन क्या है ये? उपवन, उपवन का मतलब है बगीचा, उपवन का मतलब क्या है? बगीचा। उसके बाद उल्लू, उल्लू यानी कि आउल, और ये उपहार, उपहार यानी कि गिफ्ट। वेरी गुड। तो ये लेकर आपको यहाँ पे उ लिखना है, पर लिखते समय किसका इस्तेमाल करना है? पेंसिल का और इरेजर का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि इरेजर से हमारी वर्कशीट खराब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आप इसके पीछे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यही भी क्या लिखा है, देखो देखो देखो, पढ़ो मेरे साथ, चित्र का पहला अक्षर लिखिए। यही पे भी यही करना है। तो पहला चित्र है उस तरह का, तो उस तरह से पहला वर्ण कौन सा आता है? उ। तो आपको सिर्फ उ लिखना है। उसके बाद क्या है? उपहार। तो आपको सिर्फ उ लिखना है, उपहार इतना बड़ा शब्द आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप पहली कक्षा में हो, तो आपको सिर्फ पहला अक्षर लिखना है उ, उ से उपहार, तो उ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आउल यानी कि उल्लू, तो यहाँ पे भी आएगा उ, और उसके बाद है उंगली, तो उंगली से आएगा उ। तो यहाँ पे हमें एक दो तीन चार बारी उ लिखना है, उसके बाद हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। यदि बच्चों आपने अच्छे तरीके से ये वर्कशीट छुड़ाई, तो मैं आपको क्या देने वाली हूँ आपको मालूम है? हाँ मैं आपको बड़ा स्टार देने वाली हूँ। क्या देने वाली हूँ? बड़ा स्टार। और स्टार आप जैसे होशियार बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। तो यदि आपको ये स्टार चाहिए, तो आपको ये वर्कशीट और आपकी नोटबुक और वर्कबुक अच्छे से लिखनी है। तो बच्चों और एक हमारा काम है, क्या काम है? तो ये हमारी है नोटबुक, तो ये वो जो है वो आपको आपके नोटबुक में भी लिखना है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है किस तरह से, ये आपकी दो लाइन्स की नोटबुक होगी, तो यहाँ पे आपको वो दो बार लिखना है, कितनी बार लिखना है? दो बार। वेरी गुड। और उसके पीछे के पेज पर आपको लिखना है HW, HW का मतलब है होमवर्क, और यहाँ पे भी आपको वो दो बार लिखना है। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी पढ़ाई की, और इसमें हमने उ वर्ण की पहचान की, हमने किस वर्ण की पहचान की? उ वर्ण की पहचान की, किस वर्ण की पहचान की? उ वर्ण की पहचान की, और उ वर्ण से कई सारे शब्द जो तैयार होते हैं, जिन शब्दों की शुरुआत उ से होती है उनका हमने अध्ययन किया। तो बच्चों अभी आप शब्दों में